एक युवती को कार चलाना इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल मामला यह है कि एक्सिस बैंक में काम करने वाली सेल्स ऑफिसर रितु सोदापुर में किसी विकी नाम के शख्स का बैंक खाता खोलने आई थी। रितु यहां तक ऑटो में सवार होकर आई थी। उसने खाता खोलने की प्रक्रिया पूरे करने के बाद अपने सहयोगी राहुल व परिधि को कॉल की और कहा कि वे उसे लेने वहीं आ जाएं। वापसी में परिधि निवासी सोदापुर ने राहुल से जिद की कि वह गाड़ी चलाएगी। राहुल और रितु ने मना भी किया। उन्होंने कहा कि अभी तुम गाड़ी चलाना सीख रही हो, एक्सपर्ट नहीं हुई हो, अभी ऐसे भीड़भाड़ वाली जगह मत चलाओ। मगर परिधि नहीं मानी। इसके बाद परिधि ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। राहुल और रितु भी गाड़ी में सवार हो गए। अभी गाड़ी चलाई ही थी कि परिधि अपना संतुलन खो बैठी और गाड़ी नहर में गिर गई। सर मैं वहाँ पे खेत में था, जब वहाँ आते देखा था जी, मैंने कुड़पे से ये जो जेंट्स थे उसके साथ लेडीज थे, दो लेडीज थी सर, वो इसको ड्राइव सिखा रहे थे, उसको बिल्कुल नहीं आती। वहाँ से सीधा वहीं से उतार दिया था सर उसको गाड़ी को। वहाँ से यहाँ तक तो ऊपर खड़ी आई थी सर, वहाँ से यहाँ लग तो यहाँ से हमने एक लेडीज को निकाल लिया था। फिर जब दूसरी को निकालने लगे तो गाड़ी वैसे नीचे लग के वैसे मुंदे मर गई सर, वहीं पर पलट गई सर, पानी खिड़की से भर के वैसे उल्टी हो गई जी। नहर में कार गिरती देख स्थानीय एकता कॉलोनी के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों ने आनन फानन में रस्सी से चैन बनाकर रेस्क्यू कार्य शुरू किया, जिस दौरान एक युवती व एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, मगर ड्राइविंग सीट पर बैठी युवती नहीं निकल पाई। एक लेडीज को तो निकाल लिया था, जब दूसरी लेडीज को निकालने के बाद गाड़ी नीचे लग के वापस वहीं पर मुंदी मर गई थी जी, इसलिए। हाँ जी, पुलिस वाले वहाँ पे वीडियो बनाने लगे थे जी। हमने चार पांच लड़कों ने जाके एक लेडीज को निकाला सेफ, और एक अंधेरी डूब गई थी जी। हमने जैसे कैसे करके कॉलोनी से रस्से इकट्ठा किया और उनके रस्सा बांधने के बाद हमने गाड़ी को बाहर निकाला। जब जाके एक लड़की दो ठीक है, राहुल और रितु प्रीति को होश नहीं, अब तक हॉस्पिटल में ले गए हैं, वो एक्सिस बैंक में काम करते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय महिलाओं ने भी चुन्नी से चुन्नी बांधकर रस्सी को और बड़ा किया। किसी तरह महिला ड्राइवर को भी नहर से बाहर निकल गया। पुलिस की जानकारी के अनुसार निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़।